साउथ के सुपरस्टार धनुष ने अपने अपकमिंग फिल्म द ग्रे मैन का फर्स्ट लुक आखिरकार जारी कर दिया है। धनुष ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फर्स्ट लुक की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें धनुष का फुल ऑफ एक्शन अवतार नजर आ रहा है। धनुष ने इस ट्वीट के कैप्शन में ये जानकारी भी दी कि ये फिल्म 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म के सेट से जुड़ी कुछ तस्वीरों को नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टा हैंडल पर भी शेयर किया है। नेटफ्लिक्स की शानदार फिल्म के साथ धनुष हॉलीवुड में अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। इस फिल्म में धनुष के साथ रयान गॉसलिंग, क्रिस इवांस, एना डी अरमास, जेसिका हैनबेक, बेनेगर मोरा, बिली बॉब थॉर्नटन, एल्फ्रे वुडार्ड, रेगी जीज पेज, जूलिया बटर और स्कॉट हैज जैसे कई सारे फेमस हॉलीवुड एक्टर्स नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म राइटर मार्क ग्रेनी की फेमस बुक द ग्रे मैन पर आधारित है। धनुष ने कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस तस्वीर में धनुष को कार की छत पर फुल ऑफ एक्शन में बैठे हुए देखा जा सकता है। क्रिस इवांस ने भी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। गौरतलब है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद वो एक बार फिर से इस फिल्म के जरिए रूसो ब्रदर्स के साथ जुड़ गए हैं। इस पोस्ट पर फैंस के ढेरों कॉमेंट्स आ रहे हैं और सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साउथ इंडियन फिल्मों में लाखों फैंस के दिलों पर राज करने के बाद धनुष ने बॉलीवुड में भी अपना कमाल दिखाया। अब धनुष हॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी इस जर्नी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष को शुरुआत में खाना बनाने में रुचि थी और वो शेफ बनना चाहते थे, लेकिन उनके भाई निर्देशक सेल्वा राघवन उन्हें अभिनेता बनता हुआ देखना चाहते थे। ऐसे में धनुष ने 20 साल पहले तमिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और पूरी दुनिया पर छा गए। द ग्रे मैन में धनुष का लुक आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।